हाय फ्रेंड्स, मेरे लैंडस्केप कोर्स के लेसन नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज हम वापस एक बिगिनर लैंडस्केप करेंगे, पर ये पहले के लैंडस्केप से थोड़ा अलग होगा। इसमें हम माउंटेन ट्रीज इंट्रोड्यूस करेंगे और हम इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे जो है मास्किंग फ्लूइड। अभी तक मैंने मास्किंग फ्लूइड किसी भी पेंटिंग में यूज़ नहीं की है और मास्किंग फ्लूइड वाटर कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। काफ़ी टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसका क्या यूज़ है। तो इस पेंटिंग में हम थोड़े से एरिया पर मास्किंग फ्लूइड यूज़ करेंगे ताकि आप समझ पाएँ कि मास्किंग फ्लूइड का क्या फीचर होता है, ताकि आगे फ्यूचर में आप अपनी पेंटिंग्स में इसको यूज़ कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिक ड्राइंग मैंने ख़त्म कर ली है और अब मैं शुरुआत करूँगी मास्किंग फ्लूइड के साथ। तो मैं एक पुराने पेंट ब्रश की मदद से डायरेक्टली मास्किंग फ्लूइड की बॉटल को अच्छे से शेक करके वो फ्लूइड लगाना शुरू करूँगी। ये मैं सेनेलर का मास्किंग फ्लूइड यूज़ कर रही हूँ। मास्किंग फ्लूइड से हमने जिस एरिया पे फ्लूइड लगाया है वो कवर हो जाता है, तो हमको वाइट स्पॉट्स छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से हम उसके ऊपर पानी लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं और उस एरिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब पेंटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम जेंटली रब करके उस फ्लूइड को निकाल सकते हैं। अब मैंने मास्किंग फ्लूइड जहाँ लगाया है वो अच्छे से सूख गया है। अब बैकग्राउंड वॉश करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा बोर्ड एक एंगल पे हो, तो मैंने एक छोटा सा क्रिलिक का बॉक्स पीछे रख लिया है ताकि जब हम पेंट करेंगे तो वाटर के फ्लो में हमको मदद मिल सकती है उस एंगल से। सबसे पहले मैं अब यूज़ करूँगी अपना फ्लैट ब्रश और उसको गीला करके अच्छे से मैं पेपर को वेट करूँगी। अब हमारा पेपर वेट है, उस पर थोड़ी सी चमक है पानी की, और अब मैं अपने राउंड ब्रश नंबर 6 के साथ सबसे पहले नीचे के साइड से येलो कलर लगाना शुरू करूँगी। तो मैं जब ये वाला स्काई करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नीचे से ऊपर करूँ एज अपोज टू ऊपर से नीचे, बिकॉज नीचे मैं लाइट कलर लगाऊंगी और नीचे से ऊपर जब हम ब्लू लगाएंगे तो वो कलर ज़्यादा मडी नहीं होगा। बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पैलेट में मिक्सिंग हो जाती है या हमारा पानी डर्टी हो जाता है, तो लाइट टू डार्क करने में थोड़ा बेटर रहता है। तो अभी नीचे मैंने येलो लगा लिया है। जहाँ पे मैंने सन को बनाया है उसके अराउंड भी मैं थोड़ा सा येलो दूंगी ताकि बिल्कुल सन से जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो। अब मैं लगाना शुरू करूँगी ऑरेंज के टोन्स। ये मैं सारे स्ट्रेट लाइंस में कर रही हूँ ताकि ज़्यादा हमारे स्काई में ऐसे खिचपिच ना मचे ज़्यादा, तो मैंने स्ट्रेट लाइन्स किए हैं। अभी तक हम क्लाउड्स नहीं बना रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा नीट रहे। और आप ध्यान दीजिए कि अभी भी मेरा पेपर वेट है, मेरा येलो पेंट वेट है, एवरीथिंग इज़ वेट। ये हम वेट ऑन वेट टेक्निक कर रहे हैं, वेट ऑन ड्राई नहीं कर रहे हैं। ऊपर से मैं कोबाल्ट ब्लू लगाना शुरू करूँगी और धीरे धीरे ऊपर से नीचे मैं अपने ब्रश को स्ट्रेट लाइन से नीचे ड्रैग करती रहूँगी। आप नोटिस करेंगे कि जब ये ब्लू ऑरेंज और येलो में मिक्स होता है तो एक पर्पलिश सॉर्ट ऑफ टिंज आ रही है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप उसको ज़्यादा मत कीजिए, बिकॉज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ी सी, मैं हमेशा बोलती हूँ, खिचड़ी मच जाएगी। तो थोड़ा बहुत जब हमारा कलर्स एक दूसरे के बीच में मिक्स होते हैं तो नेचुरली कलर आता है। तो बीच में मैं लिफ्टिंग के साथ थोड़े से हाइलाइट्स दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहते तो कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अभी भी हमारा पेपर वेट है, ये बाहोम का पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है और ये बहुत अच्छा पानी होल्ड करता है ताकि आपको काम करने के लिए ज़्यादा टाइम मिले। तो नीचे अभी मैं थोड़ा राउंड राउंड सर्कल्स में येलो ऊपर लगाना शुरू करूँगी ताकि थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट मिस्टी बैकग्राउंड आ जाए नीचे पाइन लाइन की तरफ। अब हमारा फर्स्ट लेयर ऑलमोस्ट सूख गया है, अब मैं वेट करूँगी कि ये अच्छे से सूख जाए। अब ये सूख चुका है, आप देख सकते हैं कि कलर्स थोड़े लाइट हो गए हैं। तो अब मैं फ्लैट ब्रश के साथ वापस पेपर को गीला करूँगी। आप ध्यान रखिए कि अगर आप जेंटली पानी लगाएंगे, आपके नीचे के कलर्स अच्छे से सूख गए हैं और आपका पेपर अच्छे क्वालिटी का है, तो आपके नीचे के कलर्स और नीचे का काम बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें और आपको अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ करना है। तो अब मेरा पेपर वेट हो चुका है, अब मैं क्लाउड लगाना शुरू करूँगी।
जैसे कि हमने पहले हाउ टू पेंट स्काइज इन वाटर कलर में किया था, मैं सेम तरीके से क्लाउड्स करी हूँ। मैंने शेडो कलर बनाया है। शेडो कलर कैसे बनाना है, बर्न सियाना, कोबाल्ट ब्लू और क्रिम्सन लेक का एक बहुत सुंदर कलर बनता है। तो ये मैं छोटे छोटे राउंड सर्कल्स में क्लाउड्स लगाना शुरू करूँगी। मैं जो इफ़ेक्ट चाहती हूँ वो ये है कि ऊपर हमारे थोड़े डार्क क्लाउड्स रहें और नीचे जब हम होराइज़न की तरफ आते रहेंगे तो हमारे थोड़े क्लाउड्स साइज़ में भी छोटे होते जाएंगे और लाइट भी होते जाएंगे। अभी तो आप लेसन नंबर 13 पे पहुँच गए हैं। अगर आपने पहले के मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम लाइट कलर कैसे बनाएंगे। तो मैंने शेडो मिक्स में बेसिकली थोड़ा और पानी डाला है और इसके लाइट मिक्स के साथ मैं जेंटल स्ट्रोक्स के साथ नीचे नीचे छोटे और थोड़े पतले क्लाउड्स बनाऊंगी ताकि थोड़ा नेचुरल लगे हमारा स्काई। और ये आप अपने हिसाब से कीजिए। यू सी, वाटर कलर एग्जैक्ट इमिटेट करना बहुत मुश्किल होता है और आपको जो ठीक लगे, आपको थोड़े बड़े क्लाउड चाहिए या थोड़े डेंस क्लाउड्स चाहिए या लाइटर क्लाउड्स चाहिए, आप इस ट्यूटोरियल की मदद से अपना खुद का रेंडिशन कर सकते हैं। उसी में आपकी इंडिविजुअलिटी आएगी। तो एग्जैक्ट अगर आप ये नहीं बना पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट एवर यू फील लाइक डूइंग, वट एवर फील्स नेचुरल टू यू, जो आपको नेचुरल लगे आप वही कीजिए। अब वाटर कलर में करेक्शंस जो है, मैं वो कभी अपने वीडियो से कट नहीं करती हूँ क्योंकि आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वाटर कलर में सब आर्टिस्ट करेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा अगर ज़्यादा कवर हो गया है तो मैं उसको कैसे लिफ्ट करके थोड़े और गैप्स बना रही हूँ। किसी काफ़ी लोग YouTube पे जब वीडियोस डालते हैं, मैंने देखा है वो काफ़ी जो उनकी मिस्टेक्स या करेक्शंस हैं वो उनको एडिट करते हैं, पर आई थिंक दैट्स नॉट करेक्ट बिकॉज हर एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में साइड बाय साइड करेक्शंस और मिस्टेक्स को क्लीन अप करते रहते हैं। तो ये सब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं काफ़ी बार अगर ज़्यादा एरिया कवर कर दी तो मैं लिफ्ट कर देती हूँ, मेरा बीच में मन बदल जाता है। तो ये एक पेंटिंग का प्रोसेस है, तो ये आप एम्ब्रेस कीजिए, इसको अवॉइड मत कीजिए। तो अगर बीच में आपको लगे तो आपका कलर लाइट हो गया है तो थोड़ा और डार्क कीजिए, अगर आपका बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो गया है तो आप लिफ्टिंग कीजिए। दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ योर वाटर कलर जर्नी, तो आप प्लीज़ इसको एम्ब्रेस कीजिए। अब हमारा बैकग्राउंड सूख चुका है तो मैं फिंगर के साथ जेंटली रब करके मास्किंग फ्लूइड को निकाल दूंगी। और मेरा स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड बहुत हिल रहा है तो मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जिस एरिया पे मैंने मास्किंग फ्लूइड लगाया वो कितना वाइट, कितना अनटच्ड, कितना नीट है, ऑलमोस्ट रॉ पेपर की तरह। तो कहीं भी अगर आपको वाइट स्पॉट्स छोड़ने हैं, आपको हाईलाइट्स छोड़ने हैं और आपको टेंशन नहीं लेनी है कि बार बार उस पर कलर ना लग जाए, तो आप मास्किंग फ्लूइड बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अब टाइम है पाइन ट्रीज बनाने का। पाइन ट्रीज बनाने के लिए मैं एक डार्क मिक्स प्रिपेयर करूंगी बर्न सियाना और हुकर्स ग्रीन डीप के साथ। हुकर्स ग्रीन डीप उसमें ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। तो पाइन ट्रीज बनाने के लिए आप धीरे धीरे ऊपर से नीचे छोटे छोटे डॉट मोशन में अपने पेंट ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना राउंड ब्रश 6 ही यूज़ किया है, नथिंग डिफरेंट। तो ये थोड़े पेशेंस का काम है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पेंटिंग इज़ मेडिटेशन, पेंटिंग इज़ अ जॉयस प्रोसेस।
आप उस प्रोसेस को इंजॉय कीजिए। धीरे धीरे अपने ट्रीज़ जब आपके उभर के आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं धीरे धीरे एक एक ट्री करूँगी, आप मेरा मोशन देख सकते हैं। बीच बीच में आप छोटे गैप्स छोड़िए, बिकॉज अगर आपका बिल्कुल ओपेक ट्री होगा तो बिल्कुल ऐसे डब्बे जैसा दिखेगा, वो नेचुरल नहीं लगता है। तो पीछे जो हमारा येलो है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होना चाहिए ट्री के बीच बीच में। तो ये अभी मैंने फास्ट मोशन में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इन ट्रीज़ को कैसे कंप्लीट करूँगी। अब मेरे ट्रीज़ भी ख़त्म हो चुके हैं, पर इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पेंटिंग में कुछ तो मिसिंग है,
तो यहाँ पे मैं बर्ड्स ऐड करूँगी टॉप राइट कॉर्नर पे। बिल्कुल आप सन के पास मत कीजिए बिकॉज़ ये हमारा फोकस है, इंटरेस्ट है। तो उसके ऊपर मैं अभी एक बर्ड बना रही हूँ, शायद मैं और भी बनाऊँगी, लेट्स सी। तो इसके लिए भी मैंने सेम जो ट्रीज़ का मिक्स है थोड़ा और डार्क कर दिया है बर्न सियाना के साथ। इसके लिए भी मैं अपना राउंड ब्रश 6 ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा सिल्वर का ब्रश है, उसकी पॉइंटेड टिप बहुत अच्छी है। तो मैं तो हमेशा यही एडवोकेट करती हूँ कि आप कम चीज़ें लीजिए पर अच्छी क्वालिटी के लीजिए, बिकॉज आप सस्ते ब्रश ले तो लेंगे पर उससे इतना अच्छा पेंटिंग नहीं हो पाएगा और वो ज़्यादा देर लास्ट भी नहीं करेंगे। पर सिल्वर के ब्रशेज सालों साल लास्ट करते हैं, तो आई थिंक एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो मुझे इतने अच्छे कमेंट्स भेजते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, थैंक यू सो मच, बाय बाय।